इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा ना कूलर ना एसी, पिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में चार लोग भी नहीं जानते, सड़क इतनी कच्ची कि चार कदम चलना भी मुश्किल हो, परिवार की हालत कुछ ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन करे, कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली तीन औलादे और माँ। रात ढल रही थी, पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था, लेकिन तभी उसी गांव के एक झोपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ तीन मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो, लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था, वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर एक, फिर दो और अब तीन बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है, एकदम से गुफ अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को सब उस गांव में पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का UPSC क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ, उस हालात से लड़कर, संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एग्जाम फॉर्म के वो 500 रुपए तुम्हें नहीं रोकने वाले। उन गरीब लड़कों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर 2 साल भी खुद को दे दिए ना, जहाँ तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज कि बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और ना कोई जबरदस्ती करनी है, बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है पढ़ने के लिए। पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा गर्व है, कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपने खुद के बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज पढ़ा नहीं, तो कल खेत खलियान सब बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो, दिलो दिमाग में बस एक बात साफ रखो, अब मजा करना है पढ़ते वक्त। इतना पढ़ना है कि साला लोगों को लगने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया ये। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि यही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगियां बनाई हैं, लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी पर पहुंचना ही सिर्फ एकमात्र मकसद होगा ना, तो कसम से वो तुम्हें झक मार कर मिलेगा। लेकिन उन सबसे पहले, उस उजाले के कल से पहले आज तुम्हें पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाएं, लेकिन तुम्हारा हौसला ना थके। मजा आने लगेगा यार, बस 2 से 5 दिन भी दिमाग लगाकर कुछ पढ़ लिया ना, तो फिर दुखी आत्मा या भटकती आत्मा नहीं रहोगे, बल्कि बवाल आदमी बनकर निकलोगे। अगर दिल में आग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो में, तब तक मस्त रहो और आग लगाते रहो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।